हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अश्विताज किचन। आज हम हेल्दी और टेस्टी होल व्हीट पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ और साथ में ऑल ऑप्शन दबा के सभी नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए ताकि मेरे सभी रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। मिक्सिंग बाउल में 1.5 कप आटा लेंगे और उसमें डालेंगे 1 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। इंस्टेंट ड्राई ईस्ट डायरेक्टली आटे में मिलाया जा सकता है। अगर आप एक्टिव ड्राई ईस्ट यूज कर रहे हो तो उसे एक्टिवेट करके आटे में मिलाना होगा। चीनी 1 टीस्पून, मिल्क पाउडर 3 टेबलस्पून, 1/2 टीस्पून नमक। नमक डायरेक्टली ईस्ट के ऊपर नहीं डालना है। अब इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं और 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल के फिर से मिक्स करते हैं। अब 3/4 कप वार्म वाटर लेंगे और इसे गूंथ लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालना है। पहले ये डो स्टिकी बनेगा। अब वर्क टेबल पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे और आटे पे भी थोड़ा सा तेल लगा के इसे गूंथ लेना है 5 से 10 मिनट के लिए। इस तरह से स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से गूंथना है आटा। अब ये आटा सॉफ्ट हो गया है। इस तरह से टक करना है आटे को। सरफेस पे कोई भी क्रैक्स नहीं रहना चाहिए। अब एक बाउल में रख देते हैं आटा और इसे कवर करके 1 या 30 मिनट्स के लिए रख देना है। 1 या 30 मिनट के बाद इसका वॉल्यूम डबल हो गया है। अब आटे को पंच करना है और फिर से 5 मिनट के लिए आटा गूंथ लेना है। आटा और भी सॉफ्ट हो गया है। अब इस आटे से 2 स्मॉल साइज के पिज्जा बनेंगे। अब इसे 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। डस्टिंग के लिए थोड़ा सा आटा डाल के बेलेंगे। पिज्जा बेस का साइज आप अपने ओवन के हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हो। बचे हुए आटे से एक और पिज्जा बेस बनाएंगे। अब इसे इस तरह से प्रिक करेंगे फोक से ताकि ये बेक करते समय ना फूले। अब पिज्जा बेस के ऊपर थोड़ा सा ऑयल ब्रश करेंगे ताकि सरफेस ड्राई ना हो। बेकिंग ट्रे ग्रीस करना है ऑयल या मेल्टेड बटर से। अब ये पिज्जा बेस बेकिंग ट्रे के ऊपर रखेंगे। अब इसे कवर करके 45 मिनट्स के लिए रखना है। 45 मिनट्स बाद पिज्जा का बेस इन्फ्लेट हो गया है। अब ओवन 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करना है। यहाँ पे मैंने टॉप और बॉटम दोनों हीटिंग रॉड ऑन किया है। जब तक ओवन प्री हीट हो रहा है, पिज्जा बेस के ऊपर पिज्जा सॉस डालेंगे। मोजरेला चीज, पैज, ब्लैक ऑलिव्स, कैप्सिकम और एलापेनोज रखेंगे। आप इसके ऊपर अपना कोई भी फेवरेट टॉपिंग ऐड कर सकते हो, जैसे कि स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न या पनीर। अब ओवन प्रीहीट हो गया है। अब इसे बेक करेंगे 160 डिग्री पे 12 से 15 मिनट्स के लिए। ओवन का टेम्परेचर और टाइमिंग ओवन टू ओवन वेरी होता है।
15 मिनट्स बाद पिज़्ज़ा परफेक्टली बेक हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे कट करेंगे। अब ये हेल्दी और टेस्टी होल व्हीट पिज़्ज़ा सर्व करने के लिए तैयार है। अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।